नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित 22,097,000 नए शिक्षक और टीजीटी पीजीटी सहित असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट न्यूज में। स्टार्ट करते हैं हम आज की न्यूज में। इन लोगों के इंतजार है कि डेट बढ़ेगा तो, लेकिन यहाँ पे डेट बढ़ने के कोई चांस अब नहीं रह गए हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए टीजीटी पीजीटी की पूरी भर्ती 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने का सख्त आदेश दे दिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज है इस समय कि टीजीटी पीजीटी पर सरकार को झटका लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि अगस्त माह में तो घोषित हो गया है कार्यक्रम। अब जिन लोगों को उम्मीद था कि ये सितंबर तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त फटकार लगाते हुए 31 अक्टूबर तक पूर्ण करके पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा जी द्वारा माननीय विशेष शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से वार्ता हुआ। यह क्रम में अवगत कराया गया कि जुलाई 2021 में पारस्परिक हस्तांतरण, आकांक्षी जनपद हस्तांतरण और जनपद के भीतर हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। तो ये माननीय मंत्री जी से जो इनका मुलाकात हुआ यहाँ पर। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो न्यूज है, 69,000 शिक्षक भर्ती में तृतीय चरण में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम विभागीय कार्य में अधिक समय लगने के कारण स्थगित हुआ है, रोका नहीं गया है, यानी रोक नहीं लगी। कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया कि थर्ड काउंसलिंग पर रोक लग गया है जो 30 को नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई प्रथम सप्ताह में हर हाल में नियुक्ति पत्र के तुरंत बाद आपको स्कूल मिल जाएगा। बीएसए कासगंज से जो वार्ता हुआ है उसके अनुसार ये अपडेट है। वहीं लीगल टीम के आज कई सदस्यों ने अपना काउंसलिंग कराया। ये नोटिस भी जारी कर दिया गया, 30 को नियुक्ति पत्र नहीं, महत्वपूर्ण नियुक्ति पत्र वितरण संबंध में ये आदेश है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल सर का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यस्तता के कारण 30 जून को 2021 को नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्रदान करने की जो नई तिथि है, जल्दी ऑफिशियल प्रपत्र के द्वारा जारी की जाएगी। आज नई शिक्षक भर्ती 97,000 को लेकर के भारी भीड़ उमड़ी लखनऊ पर, जहाँ पर बीटीसी सहित सभी पास अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की जल्द मांग कर रहे हैं। 22,000 सीट जोड़ने वाली लीगल टीम ने कहा, सीट जरूर जुड़ेगी या नया विज्ञापन निकालकर आप सभी योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, और अगर संख्या नहीं हुई तो खेल खत्म, फैसला आपका, नौकरी आपका। यानी कि जो संख्या भले है वो एससीईआरटी पे कम हो रहा है, कम है ही शुरू से। तो उन्होंने कहा कि 22,000 के लिए अगर 1,000 से भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब भी कुछ प्रभाव पड़े। यहाँ पर देखिए सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जो नई शिक्षक भर्ती के लिए डाटा मांगा जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा जा रहा है कि अगर 22,000 अभ्यर्थी हैं तो कम से कम 3-4 हज़ार भीड़ हो जाती है सड़कों पर, तो भी सरकार बाध्य हो जाएगी जोड़ने के लिए। इसके लिए सरकार ने कुछ समय पहले 2017 के बाद सामाजिक सीट का विवरण मांगा। कुछ लोग कहेंगे वो नई भर्ती के लिए, तो उनको ये इन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूँगा यूपीटेट का विज्ञापन अभी नहीं जारी किया गया, नई भर्ती तभी आएगी जब यूपीटेट 2021 आएगा। तो ये 22,000 लीगल टीम की ओर से कहा जा रहा है कि जब यूपीटेट तभी होगा, जब यूपीटेट होगा तभी नई भर्ती आएगी। उन्होंने कहा सरकार के ऊपर हम सभी लोगों ने बहुत दबाव बना दिया है, बस आप सभी लोग जिनका लगता है 22,000 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा जनरल और ओबीसी के बिना, कल लखनऊ में आ जाइए। जिस प्रकार 68,500 के अभ्यर्थियों ने धरना किया, ये 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के एससीईआरटी पर जमे हैं अभ्यर्थी। वहीं एससीईआरटी के बाहर ही लोग हैं, जबकि एससीईआरटी पर 97,000 नहीं बल्कि 22,000 शिक्षक भर्ती सीट को जोड़ने के लिए धरना जारी है। लखनऊ में कई धरना है जिसके कारण फोर्स भी काफ़ी है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी धारकों ने मांगा है अधिकार। उत्तर प्रदेश शोध विकास संघ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी धारकों को भी शामिल करने की मांग की है। तो शोध संघ का कहना है कि रेगुलर जो बनाया गया अनुदान आयोग का रेगुलेशन 2018 जिसमें पीएचडी होल्डर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन वहीं जो बिना पीएचडी वाले विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मेरिट पर नहीं बल्कि आपके पेपर पर चयन होता है, जबकि बिहार वार में अगर देखें तो वहाँ पर पीएचडी पे 20 नंबर देकर के मेरिट पर ही चयन कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए नियुक्ति को सिर्फ टाला गया है, बल्कि कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया कि थर्ड काउंसलिंग स्थगित किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा नोटिस आप पढ़ सकते हैं कि कृपया उचित विषय परिषद के जो पत्रांक उसके अनुसार है कि काउंसलिंग के उपरांत जो अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र वितरण की जाने की तिथि समय पृथक से निर्देशित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया, जिन लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराया होगा वो कल जाकर भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 दिन का समय दिया गया है, आज 28 हो गया, कल भी काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको ये भी बता दें काउंसलिंग चलता रहेगा, सिर्फ नियुक्ति पत्र आपका टाला गया है, वो भी जल्द आपका जो है नियुक्ति पत्र वाला कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की व्यस्तता की वजह से टाला गया है। अगर किसी का शपथ पत्र ना बना हो तो यही शपथ पत्र आप बनवा लीजिएगा, सभी के लिए एक ही शपथ पत्र मान्य कर दिए गए हैं।
सिर्फ लिखवाना क्या, ये 7 पॉइंट लिखवा दीजिए, एक्सेप्ट कर लेंगे सब।